और 350 का बैक रेस्ट एक्सटेंडर का बिल्कुल सीट के ऊपर लग रखा है, इतनी सी स्पेस मिलती है बीच में बैठने को। इतना बैक रेस्ट एक्सटेंडर था वो भी लग चुका है। ओके सो यो व्हाट इज अप गाइस, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो गाइस आज की इस वीडियो में हमने मंगवाया है ये डियोर 350 का बैक रेस्ट एक्सटेंडर। ये इसमें दो मेटल के प्लेट्स आते हैं एंड एक ये नेट का छोटा सा पैकेट आता है। जो गाइस हमने बैक रेस्ट एक्सटेंडर मंगवाया है वो जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो बैक रेस्ट लग रखा है मीटियोर का बिल्कुल सीट के ऊपर लग रखा है। तो जो हम पीछे कोई बंदा बैठता है तो उसको मतलब बैठने में थोड़ा टाइट लगता है। तो गाइस ये जो हमने बैक रेस्ट एक्सटेंडर मंगवाया है इससे लगाने के बाद हमारा जो बैक रेस्ट है वो इतना को पीछे चला जाएगा, मतलब इस लेवल पे आ जाएगा लाइट के ऊपर, जिससे कि हमारे पीछे वाली सीट पे भी काफी खुली जगह हो जाएगी बैठने के लिए। तो हम आराम से पीछे बहुत पीछे तक जा सकता है ये। तो ये काफी मतलब कंफर्टेबल सा हो जाएगा बैक रेस्ट। अभी अगर हम बैठते हैं ना तो आगे वाली सीट भी यहाँ पर है और बैक रेस्ट भी यहाँ पर है, तो हमें बस इतनी सी स्पेस मिलती है बीच में बैठने को, जो कि थोड़ा टाइट टाइट फील होता है। ऐसा है मतलब बिल्कुल सीट के ऊपर ही चढ़ रखा है बैक रेस्ट। तो ये खोलते हैं इसका पहले बैक रेस्ट वाला पार्ट एंड फिर हम इसको पीछे करते हैं। तो गाइस 6 नंबर की एलकी से हम इसके बैक रेस्ट को खोलेंगे। गाइस ये जो पीछे वाला हमारा बैक रेस्ट का नट होता है उस पे ऐसे रेड मार्क होता है ताकि हमें पता चल जाए, मतलब इजी हो डिफरेंशिएट करना कि पीछे वाला नट कौन सा आगे वाला कौन सा है। और जो गाइस एक नट है वो थोड़ा लंबा होगा और आगे वाला थोड़ा छोटा होगा। गाइस ये जो आगे वाला नट है ये थोड़ा लंबा है एंड ये पीछे वाला थोड़ा छोटा है साइज में, एंड जो पीछे वाला उसमें रेड मार्किंग भी हो रखी है डिफरेंस करने के लिए। अब यहाँ इस साइड के दोनों गाइस नट खुल चुके हैं, अभी हम उस साइड के नट्स भी खोलते हैं। तो गाइस चारों नट्स निकलने के बाद ये हमारा बैक रेस्ट ऐसे बाहर आ जाता है एंड बिना बैक रेस्ट के कुछ इस तरह का लुक लगता है अपनी बाइक का। तो गाइस बैक रेस्ट निकलने के बाद कुछ इस तरह का लुक लग रहा है बाइक का, बैक से भी एक बार ही दिखा देता हूँ आपको। अच्छी लग रही है, मतलब बिना बैक रेस्ट के ज्यादा अच्छी लग रही है, मतलब गाइस बिना बैक रेस्ट के भी अच्छी लग रही है देखने में। और गाइस यही चारों नट खोलने के बाद हमारी सीट भी बाहर आ जाती है। इसके पीछे हुक होता है तो इसको थोड़ा सा पीछे से कटक करके खुलती है। इसको एक बार आपको सीट भी उठा के दिखा देता हूँ। तो गाइस जैसे कि मैं बता रहा था सीट के पीछे छोटा सा हुक सा होता है जो इसके अंदर अटकता है, तो थोड़ा सा आपको आगे से वो करके झटके से उठानी होती है। तो पीछे की सीट भी खुल गई है तो सिंगल सीट में भी आप लोग चेक कर सकते हैं। लेकिन जो गाइस हमारी सिंगल सीट है वो कुछ इस तरह की लगती है, मतलब पीछे हम इसको सिंगल सीट करके चला नहीं सकते, ये रॉड्स आती है। अगर आपको इसको भी निकालना है तो यहाँ पर ये दो नट और ये दो नट खोल के आगे वाले आप इसको भी निकाल सकते हैं। लेकिन गाइस सिंगल सीट चलाने का कोई जुगाड़ नहीं है क्योंकि यहाँ जो तारे हैं इसकी वायर्स हैं वो बिल्कुल बाहर से ही जा रही है, तो बारिश वगैरह में डैमेज हो सकती है। तो सिंगल सीट करके चलाने का कुछ वो पॉइंट नहीं है। तो सीट भी निकल चुकी है गाइस अपनी, अभी हम सीट वापस लगाते हैं एंड बैक रेस्ट को एक्सटेंड करते हैं थोड़ा। तो गाइस ये जो हमारी मेटल की प्लेट आई थी वो इस तरह लगेगी, ये जो इसका पीछे वाला नट है वो यहाँ पर लगेगा एंड एक आगे वाला यहाँ पर लगेगा। तो ये जो इतना गैप बन रहा है ये इतना गैप हमारी बैक रेस्ट पीछे चला जाएगा। जो हमने गाइस बैक रेस्ट एक्सटेंडर जो हमने लगाया था वो कुछ इस तरह का लग रहा है। जो हमारे कंपनी वाले नट्स है वो हमने इसी में फिट कर दिए हैं एंड जो इसके ब्लैक एक्स्ट्रा वाले नट्स है वो हमारे यहाँ पर लगेंगे, एक इस वाले होल में एंड एक अपना आगे वाले फ्रंट वाले होल में। तो जितना ये गैप बचा है ये अपने एक्सटेंड हो जाएगा पीछे तक एंड ये भी एक बार आपको फिट करके दिखा देते हैं। तो गाइस ये जो एलकी एक्सटेंडर के साथ नहीं आती है, हमारी जो मिटियोर 350 की टूल किट है उसमें आती है एंड ये हम एक्सटेंडर फिट कर रहे हैं। ओके तो गाइस जो अपना बैक रेस्ट एक्सटेंडर था वो भी लग चुका है। ये जो प्लेट थी हमने जो एक्स्ट्रा लगाई एंड ये दो नट इसके लग चुके हैं एंड अपना बैक रेस्ट कुछ इस तरह मतलब यहाँ से यहाँ पर पहुँच गया, बिल्कुल लाइट के ऊपर आ गया जैसे मैंने आपको पहले दिखाया था। जिस तरह का लुक आ गया है मतलब काफ़ी पीछे चला गया सीट से, कुछ इस तरह का लग रहा है मतलब लुक बैक रेस्ट एक्सटेंड करने के बाद। एंड ये टूरिंग सीट कवर की वीडियो आपने पहले देख ली होगी तो ये मतलब आप देख सकते हैं टूरिंग सीट के साथ बैक रेस्ट एक्सटेंड करके कुछ अच्छा लग रहा है। एंड अब इस पे गाइस आप देख सकते हैं बैठने की जगह काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो गई है, मतलब काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है।
एंड गाइस मैंने इंस्टाग्राम पे भी ज्वाइन कर लिया है, तो आप वहाँ पर भी जाके मेरे को फॉलो कर सकते हैं अपडेट्स के लिए कि मतलब अगली फ्यूचर वीडियो के इस बारे में होने वाली है, तो आप वो भी जाके देख सकते हैं। गाइस शेयर भी कर देना इस वीडियो को, लोगों की हेल्प हो सकती है गाइस देखने में, देख के अगर उन्होंने भी अपने सीट कवर या फिर एक्सटेंडर वगैरह कुछ भी मेरी वीडियो से उनको गाइस हेल्प मिलती है, तो आप शेयर भी कर सकते हैं मेरी वीडियो को एंड इंस्टाग्राम पे भी जाके फॉलो कर लेना, लाइक कर देना वीडियो को एंड चैनल को तो सब्सक्राइब करना ही पता ही है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस।